हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के तहत 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने इसे ऐतिहासिक न्याय की ओर एक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आपातकाल लागू किया था, जिससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहरा धक्का लगा था। आपातकाल की घोषणा के बाद देश में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था, नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया था। इनमें प्रमुख नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और कई अन्य शामिल थे। इस अवधि को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि यह निर्णय उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और यातनाएं सही। आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप इतनी कठोर थी कि प्रमुख समाचार पत्रों को खाली फ्रंट पेज छापने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वे सेंसरशिप के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर सकें। इस दौरान कई प्रमुख पत्रकारों और संपादकों को भी गिरफ्तार किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल के दौरान करीब 1,00,000 लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया था। इसमें विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि आम नागरिकों को भी शामिल किया गया था। इन घटनाओं ने भारतीय जनता को गहरा सदमा पहुंचाया। भारत के संविधान अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती है, जब देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा हो। हालांकि 1975 का आपातकाल न्यायिक निर्णय के आधार पर लगाया गया था, जिससे बाद में व्यापक रूप से निंदनीय और दुरुपयोग के रूप में देखा गया। आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में जनता पार्टी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मान्यता देने का निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा है कि इस ऐतिहासिक भूल को न केवल याद किया जाए बल्कि इससे सबक भी लिया जाए। यह दिन हमें यह याद दिलाएगा कि लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी कीमती है और उन्हें बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता आवश्यक है। इस निर्णय को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण भी विभाजित है। हालांकि यह स्पष्ट है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाएगा। इस निर्णय से संबंधित विचार विमर्श और बहस आने वाले दिनों में और भी गहराई से होगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि इस कदम का प्रभाव भारतीय राजनीति और समाज पर किस प्रकार पड़ता है। ये जो कर रहा है संविधान हत्या दिवस, ये उन्होंने खुद को और ये भाजपा सरकार का जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, लोकसभा इलेक्शन में भाजपा का जो बैड रिजल्ट है, वो भाजपा का गवर्नमेंट अभी नहीं है, अभी तो एनडीए का गवर्नमेंट हो गया, भाजपा कम हो गया, इससे नजर घुमाने के लिए पूरा देश में भाजपा का हालत ठीक नहीं है, इससे नजर घुमाने के लिए अभी ये पुराना इमरजेंसी पीरियड का बात ये लोग कर रहे हैं। देखिए वो समय इमरजेंसी का बहुत तरीके से वो एनालिसिस हो चुका है, वो उसका क्रिटिसिज्म हो चुका है। एक बार इंदिरा गांधी हार चुका है, फिर देश ने वो इंदिरा गांधी को भी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाकर लौट के इंदिरा गांधी आई थी, तो वो जो चैप्टर थे वो इतिहास का एक पन्ना था। और इतने बरस बाद भाजपा खुद को वो उनका जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, डिजास्टर्स है, उसका जो बुरा हाल है देश का, उससे नजर घुमाने के लिए ये पुराना कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर इमरजेंसी द कांग्रेस पार्टी हैज रूल दिस कंट्री विद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह एंड नरसिंह राव, दे शुड नो अबाउट इट। The people of this country has restored confidence on the Congress party. कौन बोल रहे हैं ये बात?
जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में है? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में है? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है। संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है? जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं, आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है, आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूँ। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता, चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्म ना। को डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है इस देश की जनता, इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके, देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके, संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है, ये सब देशवासियों को अपील किया है। और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सब का दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है, ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है।